जमीयत उलमा नागपुर के गड्डी गोदाम यूनिट और मस्जिद अल कुरैश गड्डी गोदाम द्वारा एनएमसी के डॉक्टर श्री अतीक साहब और उनकी टीम के सहयोग व मार्गदर्शन में 31 अक्टूबर 2021 से 1 नवंबर 2021 यानी रविवार और सोमवार को मस्जिद अल कुरैश गड्डी गोदाम में कोविड टीकाकरण मुहिम का आयोजन किया गया। इस कोविड टीकाकरण कैंप में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुई और कोविड टीकाकरण का फायदा उठाते हुए टीकाकरण करवाया। यह टीकाकरण मुहिम जमीयत उलमा नागपुर के सदर जनाब मौलाना सिराज अहमद कासमी और जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद सलीम साहब की निगरानी में चलाया जा रहा है। जमीयत और अल कुरैश मस्जिद गड्डी गोदाम के सभी जिम्मेदारों ने इस टीकाकरण मुहिम का जिम्मा उठाया और साथ ही डॉक्टर अतीक साहब का भी शुक्रिया अदा किया। इस टीकाकरण मुहिम में जमीयत उलमा गड्डी गोदाम और मस्जिद अल कुरैश के जिम्मेदार लोगों ने अपना बड़ा योगदान दिया, जिसमें हाजी शफीक साहब, सोहेल अहमद कुरैशी, जाहिद कुरैशी, शमसुल हक कुरैशी, मोहम्मद आदिल कुरैशी, उजैर कुरैशी, फैज अहमद कुरैशी, जाकिर कुरैशी, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद सलीम कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ कुरैशी का समावेश है। मैं सोहेल अहमद कुरैशी, जमीयत उलमा गड्डी गोदाम यूनिट, जिला नागपुर। हमने दो दिन का कैंप रखा गया है, एक वैक्सीनेशन कैंप 31 अक्टूबर और 1 नवंबर बरोज़ इतवार पीर। मौलाना सिराज अहमद कासमी सदर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम, इनकी निगरानी में वैक्सीनेशन कैंप रखा गया और ये गड्डी गोदाम अल कुरैश मस्जिद के सामने के कंपाउंड में कॉर्पोरेशन की जानिब से और डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, उनका बहुत सहयोग रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ये लोगों को, यहाँ महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आ रही है, आदमी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, वैक्सीनेशन का कैंप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा और काफ़ी तादाद में 200 से 400 लोगों ने हमारे वैक्सीनेशन का डोज लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, BNA 24 न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र।